शनिवार को देश भर में धूमधाम से गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण सहित अन्य आयोजन किए गए। इंदौर में मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इंदौर शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में काफी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने हर्ष फायर किए। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का भी वाचन किया। देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। आज ही के दिन देश के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सभापतित्व में संविधान सभा के प्रगतिशील सदस्यों द्वारा बनाए गए संविधान को लागू कर गणतंत्र बाना पहना था। मैं संविधान के निर्माण से जुड़े बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों और स्वतंत्रता संग्राम के उन बलिदानियों और सेनानियों का कृतज्ञ पूर्वक स्मरण करता हूँ, जिनके त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण से आज हम आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस, बीएसएफ, यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनसीसी सहित विभिन्न प्लाटून में शामिल जवानों और विद्यार्थियों ने शानदार परेड की। वहीं परेड के साथ नगर निगम, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन सहित अन्य विभाग की ओर से झांकियां भी निकाली गई, जो राष्ट्रहित, राष्ट्रीयता का संदेश दे रही थी। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। शनिवार को गणतंत्र दिवस पर शहर की जेलों में बंद आधा दर्जन से अधिक कैदियों को अच्छे आचरण का तोहफा मिला, जिसके तहत उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। शासन द्वारा 15 अगस्त 26 जनवरी पर जेल में सजा काट रहे कैदी जिनका आचरण सजा के दौरान अच्छा रहता है, उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। इसी के चलते शनिवार को गणतंत्र दिवस पर 11 कैदियों को मुख्य समारोह के बाद रिहा किया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुख्यालय पर प्रस्ताव भेजे गए थे, इनमें से 11 को मंजूरी मिली थी। सभी कैदी आजीवन कारावास की सजा वाले कैदी है, साथ ही उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी। सभी कैदी ने जो रिहा हो रहे हैं उन्होंने जेल के अंदर अलग से कई कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे वे बाहर जाकर सम्मान वाला जीवन जी सकेंगे। जेल से छूटने पर कई कैदियों के आंखों में आंसू देखने को मिले। तो यहां से गए थे मुख्यालय में, उसमें से 11 जो पात्र बंदी थे 11 स्वीकृत होकर आए। ये सभी आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदी रहे।
ये रिहाई में 26 जनवरी में प्रस्तावित। किन जिलों के कितने कितने साल अभी तक हो चुके किन किन सजाओं में, क्या क्या इन्होंने जेल से कुछ सीखा है? अब इसमें कोई एक बंदी तो पेंटिंग पे रहा है, जैसे कि झांकी की जो 26 जनवरी की है उसमें ये पेंटिंग उसी का नमूना है, और एक दो बंदी इग्नू फोर्सेस में भी रहे, निरक्षर बंदी थे वो, करीब करीब एक बंदी ने तो इग्नू से 10वीं पास करी। ये किन किन जिलों के अलग अलग है, कोई धार के भी है, एक बंदी इंदौर का है, खंडवा के है, बड़वानी के भी है, झाबुआ है। 15 अगस्त पर भी कई कैदियों को रिहा किया गया था, जिन्हें जेल से निकलने के बाद एनजीओ द्वारा रोजगार भी दिलवाया गया था। शनिवार को इंदौर नगर निगम, जिला कलेक्टर कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण के आयोजन किए गए। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर लोकेश जाटव ने ध्वज फहराया। इंदौर नगर निगम में महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने ध्वज फहराया। इस अवसर पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। 70 साल पूर्व हमारा 1950 में संविधान बना था, और ये मात्र 2 साल 11 माह 17 दिन में ये तैयार हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो समरसता के जननायक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और आज हम सभी जिस प्रकार से इस देश में आज़ादी से सांस ले रहे हैं, हमारे वीर जवान शहीदों ने इस देश को आज़ाद करवाया था, और उस आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण हुआ था। आज पूरे देश में हम स्वतंत्र रूप से सभी लोग विचरण कर रहे हैं, और इसी संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है। माननीय मोदी जी ने आज पूरे देश में विश्व मंच पर अग्रणी स्थान में इस देश को। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ ने झंडा वंदन किया। इसी तरह एम्बा अस्पताल में अधीक्षक पीएस ठाकुर ने झंडा वंदन किया। इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर उप संभागायुक्त श्रीमती वैद्य ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय सलूट, सलामे सस्त। इसी तरह इंदौर जिला कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ध्वजारोहण किया। वहीं इंदौर प्रेस क्लब में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने ध्वज फहराया। इस अवसर पर महासचिव नवनीत शुक्ला सहित तमाम पदाधिकारी के अलावा काफी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित थे। शनिवार को जवाहर मार्ग ब्रिज का लोकार्पण हुआ, जिसके बाद ये ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज का निर्माण कार्य 117 दिन में पूरा हुआ है। शहर के बीच 1951 में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बनाया गया जवाहर मार्ग ब्रिज 22 सितंबर को टूटा था। दरअसल ये हुआ कि सरकारी सिस्टम ने भी मिशन मोड में जनता से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया, नतीजा 115 दिन में ब्रिज तैयार हो गया। शनिवार को ब्रिज का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी, महापौर मालिनी गौड़, विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने किया। उद्घाटन समारोह से पहले शुक्रवार को निगमायुक्त ने अफसरों के साथ ब्रिज का दौरा किया था। अफसरों ने उन्हें बताया कि ब्रिज के लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं, कुछ जगह रिफ्लेक्टर्स लगाना रह गया है, जिसका काम लगातार किया जा रहा है।
ब्रिज पर सेंटर लाइटिंग के 6 पोल लगाए गए हैं, जिनमें 12 LED फिटिंग्स लगाकर उन्हें चालू कर दिया गया है। ब्रिज पर डामर की फाइनल कोटिंग भी कर दी गई है। ब्रिज का काम अक्टूबर में शुरू हुआ था और उसे पूरा करने के लिए 5.5 महीने की मियाद तय की गई थी। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी और निगम अफसरों की दिन रात की मेहनत के कारण ब्रिज 4 महीने में तैयार हो गया। इस पर निगम ने 5.50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं।